पे जो भैया तोबा तोबा, ये मैं आज गाड़ी लेके निकला हूँ ना, बहुत मुद्दत के बाद मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे अपनी बाइक बहुत पसंद है। बाइक में यार यहाँ से निकालो वहाँ से निकालो, गलियों में घुस जाओ, फुटपाथ पे चढ़ा दो, पहुँच जाओगे तुम कहीं ना कहीं जल्दी। अमली बच्चियों पे भाई लदीन के सामने कितना जाम है, मैं तो पागल हो जाऊंगा, क्यों गाड़ी निकाल ली मैंने, कितना जाम है यार। एक महीना भी अगर मैंने इस कराची के रोड पे गाड़ियाँ गाड़ी चला ली ना, एक महीना भी बस 30 डेज, तो ब्लड प्रेशर तो हो ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, लॉन्ग टाइम नो सी। अच्छा जी, जनवरी आते ही पाकिस्तान और उसके मज़ाफात में शादियों का सीज़न शुरू हुआ जाता है, तो आज 1 जनवरी 2023 है। पहले ही दिन शादी में जा रहा हूँ, अल्लाह रहम करे पूरे साल शादियों में ना जाना पड़े। तो ये कि भाई शादी के लिए निकले, शादी स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से, फैमिली में एक शादी है, पूरी शादी में तो मैं नहीं गया, लेकिन थ्योरी एक है मेरी कि भाई लड़के की शादी हो तो उसके वलीमे में जाओ और लड़की की शादी हो तो उसकी बारात में जाओ, ये मेरी थ्योरी है। जैसे कि मिट्सबर्ग की थ्योरी है, मॉस्लो की थ्योरी है, बहुत सारे लोगों की थ्योरी है, उज़ैर अलवी की। ठीक है जी, अभी हो रहा है हमारे पास टाइम 6:38, और भी मैं गुलशन इकबाल से निकल रहा हूँ और मुझे जाना है ऑल द वे एयरपोर्ट पर, बहुत सारे लॉन है वहाँ पर जाना है, जल्दी ही निकलना है क्योंकि फैमिली को ही पिक करना है, फिर वहाँ जाके जाएंगे। आज हम बहुत सारी बातों पे चर्चा करें क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कराची खुदा हुआ है। कराची की मुश्किल से एक आध सड़क बची हुई है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा, सभी सड़कों में काम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, बस वो हो रहा है, उस पर बहुत सारी बातचीत करें। कराची के ट्रैफिक पे जो भैया तौबा तौबा, ये मैं आज गाड़ी लेके निकला हूँ ना, बहुत मुद्दत के बाद मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे अपनी बाइक बहुत पसंद है। बाइक में यार यहाँ से निकालो वहाँ से निकालो, गलियों में घुस जाओ, फुटपाथ पे चढ़ा दो, पहुंच जाओगे तुम कहीं ना कहीं जल्दी। अब मुझे शादी में जाने के लिए ना लिटरली 2 घंटे पहले निकलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लेट होऊंगा, फिर भी मैं लेट होऊंगा, मैं जितनी जल्दी भी निकल जाऊँगा, क्योंकि जहाँ जाऊँगा मुझे पता है ट्रैफिक जाम होगा। जिस रोड पे घुसूँगा अभी अभी यूनिवर्सिटी रोड पर आऊँगा, पूरा यूनिवर्सिटी रोड का है, यूनिवर्सिटी गली है, जो मीम भी बहुत आ रही थी। गाड़ी मुझे ले आना है कराची में, लेना एक अजाब लगता है, मगर क्या करें, गाड़ी ज़रूरी भी है, गाड़ी के बगैर गुजारा भी नहीं है ना यार। देखो ना, फैमिली को मैं गाड़ी के बगैर किसी में ले जा नहीं सकता ना, बाइक में तो नहीं ले जा सकता पूरी फैमिली, गाड़ी में ही हमारी पूरी फैमिली चली है। अभी रोड तक नहीं पहुंचा मैं और मैं अभी से थक गया, गुलशन इकबाल से निकल रहा हूँ मैं, आपको गेम बता रहा हूँ। और 6:38 हो रहा है, बल्कि अब तो 38 मिनट पे निकला था, अब तो 40 हो गए, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं वहाँ कब पहुँचा। फाइनली मेन रोड पर पहुँच गया हूँ, तोबा। अगर मैंने एक महीने भी गाड़ी चला ली ना कराची के इन रोड पे, तो मुझे तो ब्लड प्रेशर तो हो ही जाएगा। फाइनली भाई मेन रोड पे आ गया हूँ मैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। एक महीना भी अगर मैंने इस कराची के रोड पे गाड़ी चला ली ना, एक महीना भी बस 30 डेज, तो ब्लड प्रेशर तो हो ही जाएगा। और ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है भाई, वो उसके बस का नहीं गाड़ी चलाना आज चलिए कराची में, वो घर पे बैठे आराम करे भाई। तोबा। फाइनली मेन रोड पे आ गया हूँ, यहाँ देखते हैं क्या होता है। अभी हम हैं ढाका स्वीट्स गुलशन इकबाल में, देखते हैं क्या सीन है, कितना जाम है। और अरे बीच में रोक ली, बच जानो तुमने बीच में रोक ली। ट्रैफिक तो भाई कराची में हमेशा से है, लेकिन मसला ये आ गया है, जो इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी ना, उनको इतना पतला पतला कर दिया। जाहिर सी बात है, अब पतली सड़कें होंगी तो गाड़ियाँ कहाँ से उसमें चलेंगी। और एक ही साथ सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए भाई, एक एक करके वन बाय वन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं यार। आप बहुत अच्छी बात है, कराची की तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको नेक हिदायत दे। लेकिन मेरे भाई एक एक करके वन बाय वन प्रोजेक्ट शुरू स्टार्ट करते, पहले एक प्रोजेक्ट फिर सेकंड प्रोजेक्ट, एक ही साथ सबको बोला चलो भाई सारे प्रोजेक्ट एक साथ शुरू करते हैं। तो कराची मेरे ख्याल से सिर्फ ये छोड़ के इशारे फैसल ही बच्चियों पे भाई लदीन के सामने कितना जाम है, मैं तो पागल हो जाऊंगा, क्यों गाड़ी निकाल ली मैंने, कितना जाम है यार। मुझे फ्लाईओवर से पूरा रोड नजर आ रही है, सिर्फ रेड लाइट नजर आ रही है मुझे, गाड़ियों की लाल लाइट, अब मेरी लाल हो जाएगी पहुंचते वहां। यार क्या होगा हम लोगों का, हमारी जिंदगी तो आधी जिंदगी तो हमारी शारे फैसल पे और कराची के ट्रैफिक पे गुजर रही है, आधी हमारी ऑफिस में गुजर जाती है, बची क्या करें, समझ से बाहर है यार। हेलो हेलो
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अलादीन वाला जो रोड था वो तो फतह कर लिया है। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी मिलेनियम के सामने जो ट्रैफिक होगा वो हम देखते हैं वो कितना होता है। तौबा 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 तौबा। जिसके पास मैनुअल गाड़ी है ना, जैसे मेरे पास, हमारे पास मैनुअल गाड़ी है, मेरा तो नहीं है ना, मेरी नहीं है भाई की, हमारे पास जैसे मैनुअल गाड़ी है ना, तो भाई उल्टी टांग का तो आगे मसाज करना पड़ेगा भाई, टांगों में दर्द होगा। उल्टी वाली तो मेरी क्लच पकड़े पकड़े, सॉरी दबाए दबाए क्लच दबाए दबाए टांगों में दर्द हो गया उल्टी वाले। अब देखते हैं मिलेनियम के सामने में क्या सरप्राइज मिलता है। मैं फ्लाईओवर में चढ़ा मैं चढ़ा मैं चढ़ा मैं चढ़ा और मैं देख रहा हूँ क्यों बुलाते हैं लोग शादी में यार, एक तो अजीब कर लो खामोशी से चुपचाप यार, अजीब तू क्या बुलाने की। मैं चाहता हूँ ट्रैफिक टेल बनाऊंगा खुशगवार माहौल में, खुशगवार हंसता खेलता मजे से। यहाँ तो मेरा मीटर घूम गया क्योंकि अभी मुझे हो रहा है 7:16 और 6:38 में घर से निकल रहा था मैं अभी, और मेरा अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ, समझ रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे थोड़ा कम है मिलेनियम के सामने, थोड़ा कम मिला है लेकिन मिल रहा है। ये आप ना सोचें कि ट्रैफिक मिलेनियम के सामने नहीं है, ट्रैफिक के सामने मिलेनियम के सामने ट्रैफिक है। और एक तो इतनी बड़ी बड़ी बसें आ गई हैं और चलाने वाले वही हैं, पुराने वाले ही उड़ाते हैं चलाते हैं। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे।